खोकर की जेर सदारत नून लीग की पीडीएम जलसे की रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें लीगी रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरकार ने पार्टी परचम और बैनर उठा रखे थे। लीगी की शुरकार का कहना था, नवाज शरीफ की मोहब्बत से जा रही है सारी आवाम, सारे किसी ने बुलाए हुए नहीं, अपने उन्हें जो तंग इस हुकूमत ने कर दिता उसके खिलाफ असी सारे इतजाज कर रहे हैं। रैली का मकसद एनए 136 की इवाम इसमें शामिल हो रही है, इसका मकसद महंगाई, ये चोर डाकू जो हुक्मरान हैं इनको भगाने के लिए, ताकि मुल्क में एक नई क़यादत नई गवर्नमेंट आए, ताकि लोगों के लिए कोई काम हो सके, महंगाई ख़त्म हो सके, बेरोज़गारी ख़त्म हो सके, इसका के लिए आज का ये जुलूस और ये जलसा हम अपनी क़यादत के साथ हर तरह हाजिर है। पी 106 वुमेन विंग की सदर गौसिया इकराम ने कहा, ना महंगाई का बम गिरा दी है, ये आवाम बेचारे चक्की में पिस रहे हैं, और वो जो पहलवान है उसका सियालकोट का जो कहती है वो फिरदौस आशिक वान कि मैंने किरची किरची कर दिया पीटीएम को, आज हमारी आवाम आज पीटीएम में उसको किरची किरची करने जा रहे हैं। लीगी कारकुन का कहना था, मौजूदा हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी है, आज का जलसा लाहौर की तारीख रकम करेगा। बेटिंग है हमारी, लीडर है, इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ जहाँ भी जाएंगी जहाँ कहेंगी हम उनकी एक आवाज पे लबैक कहेंगे। रैली में एक ऐसा कारकुन भी नजर आया जिसने महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज करते हुए सब्जियों का हार पहना हुआ था। गरीब आदमी क्या करे, सब्जियां भी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई है, क्या करे गरीब आदमी, मजदूर आदमी। कैमरामैन ज़ुकवानुल हक शेख के साथ हैदर हसन, ANN न्यूज़ लाहौर।